Now, after using concept of elementary transformation and inverse of matrices, we start exercise 2.5. And here, first question, apply the given elementary transformation on each of the following matrices. ये आपके पास matrices given है, side में operations लिखा है और आपको इसको apply करना है. For first, we consider first matrix is equal to A. ये हमने नोट किया. Here we have transformation R1 interchange to R2. So that means R1 is written in second row and second row R2 written in first row. तो आप देख सकते हैं 3-4 is written in second row 3-4 and second row 2-2 written in first row 2-2. Similarly, in the second part, let A is equal to 2-4-1-5. तो C1 interchange to C2. तो that means C1 और C2 को आपस में आप बदल दें. तो जो सेकंड कॉलम था 4-5 रिटन इन फर्स्ट कॉलम 4-5 एंड सेकंड कॉलम इज रिटन इन सॉरी फर्स्ट कॉलम इज रिटन इन सेकंड कॉलम 2-1. आफ्टर दैट थर्ड वन मैट्रिक्स ए फर्स्ट ऑपरेशन इज 3R2 मींस जो सेकंड रो है इसमें हर एक एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 3 1 3 3 3 9 3 1 3 बाकी फर्स्ट रो एंड थर्ड रो रिमेन सेम. तो हमने चेंज सिर्फ वही करना है जहां ऑपरेशन है. आफ्टर दैट इसमें आपको बोला C2 के लिए ऑपरेशन C2-4C1. तो C2 चेंज होगा और क्या चेंज होगा कि आप C2 में से 4 टाइम्स ऑफ C1 माइनस कर रहे हैं. तो आप देखिए हमने कैसा लिखा है 3-3-1 फर्स्ट कॉलम एज इट इज सेकेंड 1-9-1 बट इसमें से फर्स्ट कॉलम का 4 टाइम्स माइनस होना है. तो माइनस 4 × 3 − 3 × 3 − 3 × −1. तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें एक थोड़ा एरर है. यहां पर क्या आ जाएगा 4 × 3 − 4 × −1. तो ये तो हमने यहां पर 4 टाइम्स इसमें क्या करा माइनस. अब ऑपरेशन अरेंज कर लेते हैं 3 − 3 − 1 − 1 − 12 − 11 − 9 − 12 इट इज इक्वल टू माइनस 3. 1 − −± + 4 इज इक्वल टू 5. तो ये आ गया हमारे पास न्यू मैट्रिसेस जो हमको यहां पर ऑपरेशंस के साथ अरेंज करना था. प्रॉब्लम नंबर 2 ट्रांसफॉर्म गिवन मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस. तो आपने रो ऑपरेशंस को यूज करके इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है. अगर आप अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है अगर हम यहाँ पे एक रफ लिखें इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल हमने क्या कहा ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. तो आप देख सकते हैं हमने एक रफ लिखा है यानी कि जो डायगोनल है इसके नीचे ईच एंड एवरी एलिमेंट बिकम्स 0 देन मैट्रिक्स इज अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. तो हमको ऑपरेशंस इस तरह से अप्लाई करना है कि ये फॉर्मेट हमारे पास आ जाए. तो अब जरा देखते हैं किस तरह से हमारे पास आ रहा है. तो लेट ए इज इक्वल टू 1 − 1 − 2 − 2 − 1 − 3 − 3 − 2 and 4. Now, आपको अगर इस फॉर्म में चाहिए तो इस 2 की पोजीशन पे 0 और 3 की पोजीशन पे क्या चाहिए हमको 0. तो हम यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ध्यान दें R2 के लिए ऑपरेशन R2 − 2 R1. अगर आप R1 का 2 टाइम्स लें तो 2 × 2 और 2 में से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 0. तो इसका मतलब 1 तो आ जाएगा. इसी तरह से थर्ड रो के लिए हम ऑपरेशंस ले रहे हैं R3 − 3 R1. तो चेंज सिर्फ होना है R2 R3 में. R1 रिमेन सेम उसमें कोई चेंज नहीं. तो हमने ये क्या किया 1 था आपको मालूम है 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 2 में से 2 माइनस होगा तो 0. तो इसीलिए हमने लिखा R2 − 2 R1. यहां पर 3 है आपको मालूम है 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव 3 एंड 3 − 3 = 0. नाउ वी अप्लाई दीज ऑपरेशंस. तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू तो फर्स्ट 1 − 1 एंड 2. आफ्टर दैट 2
हमने क्या किया है, 2 into R1, तो -2 into 1, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या था हमारे पास 1, तो 2 into 1, आफ्टर दैट 1 minus 2 into -1, तो यहां पर सेकंड एलिमेंट था -1, तो उसका 2 times हम माइनस कर रहे हैं, एंड देन वी हैव 3 minus 2 into 2, तो ये तो हमारे पास हो गया किसके लिए, सेकंड रो के लिए। अब सिमिलरली फॉर थर्ड रो, 3 minus first row का 3 times, तो 3 into 1, आफ्टर दैट 2 minus 3 into -1, एंड देन 4 minus 3 into 2। नेक्स्ट हियर वी हैव A equivalent to or A equal to, तो मैट्रिक्स A 1 minus 1 and 2, नेक्स्ट 2 minus 2 0, 2 minus minus plus 1 plus 2 3, 3 minus 4 it is equal to -1, 3 minus 3 0, after that 3 minus 1 यानी कि -3, but minus minus plus 2 plus 3 is equal to 5, and 4 minus 6 is equal to -2. Now अब आपको करना क्या है, here if we have 0 in place of 5, then it is a upper triangular matrix. तो अभी मुझे 5 के लिए क्या लेना है, 0, तो अब इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जरा देखें। तो first we convert this 3 into 1, हम लोग क्या करेंगे इसको 1 में convert कर लेंगे, for that we apply for R2 1 by 3 into R2, अब second row को 3 से क्या करते हैं divide, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, और फिर 1 का 5 times हम क्या कर सकते हैं minus, तो therefore A equal to 1 minus 1 2, if we divide R2 by 3, then 0 upon 3 3 upon 3 minus 1 upon 3, 0 5 and minus 2, so therefore A becomes 1 minus 1 and 2. After that we have 0, 1, minus 1 upon 3, and then we have 0, 5, minus 2. तो ये तो आ गया आपके पास. Next, अब इस जगह मुझे 0 चाहिए, और 1 में अगर आप 5 से multiply करेंगे 5, और 5 minus 5, 0. तो therefore we using operation for R3. हमने क्या लिखा, ध्यान दें, R3 minus 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5, तो 5, और ये 1 कहां पर है, सेकंड रो, तो 5 into R2, तो therefore A equal to 1 minus 1 2, and after that 0 1 minus 1 by 3, 0 minus 5 into 0, 0 already है, 5 times 0 का यानी 5 into 0, 5 minus 5 into 1, after that we have 2 minus ka or -5 into -1/3, zara dhyan denge yahan par -1/3. Next ab isko apply kar le completely, 1 minus 1 2, and then we have 0 1 minus 1 by 3, 5 into 0 0 0 minus 0 0, 5 1 5 5 minus 5 0, remember minus minus plus, so 5 by 3, -2 plus 5 by 3, it is equal to -6 plus 5 by 3 is equal to -1 by 3. तो आप देख सकते हैं डायगनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो which is upper triangular matrix, तो ये हमारे पास आ जाएगा upper triangular matrix. Question number 3, find cofactors of the following matrices. So we have 2 matrices and we have to write cofactor for each and every element.
आपको क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फाइव में इंक्लूड है, तो इसलिए आप थ्री को अपने आप कंप्लीट करेंगे एज एन स्टेप नंबर या क्वेश्चन नंबर फाइव. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. अगेन वी हैव टू मैट्रिसेस एंड वी हैव टू राइट एडजॉइंट. अगेन एडजॉइंट कैसा फाइंड आउट करना है वो भी क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर है. तो इसका मतलब थ्री एंड फोर बोथ आर सेम एज क्वेश्चन नंबर फाइव. तो स्टेप्स कैसे आएंगे वो आप फाइव में देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव. फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. वी हैव थ्री मैट्रिसेस एंड वी हैव टू फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. तो अगर हम इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर वन. लेट मैट्रिक्स इज कंसीडर्ड एज ए. तो ए इज इक्वल टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक एग्जिस्टेंस आइदर इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट. तो फॉर दिस वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो सिंबल डिटर्मिनेंट का आ गया यानी कि वर्टिकल लाइन थ्री माइनस वन टू माइनस वन. एज यूजुअल सबको मालूम है डिटर्मिनेंट कैसा फाइंड आउट करना है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस वन. तो इट इज माइनस थ्री प्लस टू विच इज इक्वल टू माइनस वन. तो देयर फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो. देयर फोर ए इनवर्स एग्जिस्ट. तो ये तो हुआ पहला एग्जिस्टेंस चेक करना है. नेक्स्ट अब आपके पास सेकंड स्टेप. तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कोफैक्टर्स. नाउ वी फाइंड कोफैक्टर्स. तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कोफैक्टर्स. एज यूजुअल आपको मालूम है कोफैक्टर्स और आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो इसी तरह से स्टार्ट होगा जो यहां पर हमने लिखा है. वी फाइंड कोफैक्टर्स. तो फर्स्ट कोफैक्टर इज ए वन वन यानी फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू वन वन प्लस वन इंटू. अब आप क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर देंगे. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम देन वी हैव ओनली माइनस वन. माइनस वन का रेज टू इट इज इक्वल टू वन. वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन. तो फर्स्ट कोफैक्टर इज माइनस वन. नेक्स्ट ए वन टू सेकेंड एलिमेंट के लिए. तो माइनस वन रेज टू सफिक्स का टोटल वन प्लस टू इन टू. अभी हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर करेंगे. फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम देन वी हैव टू इट इज टू. माइनस वन रेज टू थ्री माइनस वन इन टू टू इट इज इक्वल टू माइनस टू. नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव ए टू वन. सेकेंड रो स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए टू वन. माइनस वन रेज टू टू प्लस वन इन टू. अब हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर रहे हैं. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर देन वी हैव माइनस वन. तो माइनस वन रेज टू थ्री माइनस वन इन टू माइनस वन इट इज इक्वल टू वन. नेक्स्ट ए टू टू माइनस वन रेज टू टू प्लस टू इन टू. नाउ वी रिप्लेस रिमूव सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को अगर आप रिमूव कर देंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा ओनली थ्री. तो माइनस वन रेज टू फोर वन वन इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर थ्री है उसमें आप इसी तरह से क्या फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर यानी कि इतना ही आपने जाना है. अब कोफैक्टर आने के बाद देयर फोर कोफैक्टर मैट्रिक्स रिटर्न एज क्या लिखते हैं ए स्टार इज इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू. तो अब आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है तो आप सारे वैल्यूज को रिप्लेस कर लेंगे. वी हैव माइनस वन माइनस टू देन वी हैव वन एंड थ्री इट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ए स्टार. अब इतना आ जाने के बाद नेक्स्ट एडजॉइंट ए. देयर फोर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ए. तो आप क्या लिखते हैं हमने आपको बताया था ए डी जे ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि ए स्टार टी. तो देयरफॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू. तो आपने ट्रांसपोज में क्या करना होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज. तो फर्स्ट रो राइट इन फर्स्ट कॉलम माइनस वन माइनस टू. सेकेंड रो राइट इन सेकेंड कॉलम वन एंड थ्री. तो इट इज एडजॉइंट ए.
आप देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, उसमें क्या फाइंड आउट करना था, एडजॉइंट ए। तो क्वेश्चन नंबर फोर कोफैक्टर से स्टार्ट होकर के एडजॉइंट तक आएगा, तो जैसा हमने यहां पर लिया उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फोर होगा। नाउ लास्ट ए इनवर्स, हमने डेफिनेशन लिखा था वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इन टू एडजॉइंट ए, तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, माइनस वन, और ये हमारे पास यहां पर एडजॉइंट ए का वैल्यू माइनस वन वन माइनस टू थ्री, तो इसका मतलब हुआ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय माइनस वन। अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है, माइनस वन अपॉन माइनस वन, वन अपॉन माइनस वन, माइनस टू अपॉन माइनस वन, थ्री अपॉन माइनस वन, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस वन वन, वन अपॉन माइनस वन माइनस वन, माइनस टू अपॉन माइनस वन टू, एंड थ्री अपॉन माइनस वन माइनस थ्री, तो इट इज ए इनवर्स। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव। पार्ट नंबर टू, ए इज इक्वल टू माइनस टू फोर फाइव, वी हैव अगेन टू बाई टू ऑर्डर मैट्रिक्स, सेम स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटर्मिनेंट ए विच इज इक्वल टू 18, not equal to 0, therefore A inverse exists. Now we find cofactors. एक बार वापस cofactors repeat हो रहा है। A 11 minus 1 raised to 1 plus 1, जो हमने last lecture में cofactor define किया, वो एक बार जरूर आप लोग पहले से read कर लें। तो next 11, यानी कि first row, first column skip कर देंगे, तो only we have 5, so it is 5. तो minus 1 raised to 1, 1 into 5 is equal to 5. A 12 minus 1 raised to sum of suffix, यानी 1 plus 2 into, अब आप किसको remove कर देंगे, first row second column, first row second column, so it is equal to 4, minus 1 raised to 3, minus 1 into 4, minus 4, A 21 minus 1 raised to 2 plus 1, और अब आप remove करेंगे second row first column, first position is for row and second suffix is for column, so second row first column remove kiya, to here we have minus 2, so minus 1 raised to 3, minus 1 and minus 2, it is equal to 2, 2 2 minus 1 raised to suffix ka total 2 plus 2, now we remove second row second column, here we have 2, 1 into 2 is equal to, therefore cofactor matrix is written as, aur same aapko karna hai kahan par, क्वेश्चन नंबर थ्री में, तो ए स्टार कोफैक्टर मैट्रिक्स ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, वी रिप्लेस ऑल द वैल्यूज। नेक्स्ट वी राइट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ए फर्स्ट रो ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स रिटन इन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज रिटन इन सेकेंड कॉलम, नाउ वी हैव एडजॉइंट ए। नाउ ए इनवर्स 1 upon determinant A into adjoint A, so we replace determinant value which is equal to 18 and adjoint A, ye aa gaya apne paas, so 1 upon 18 ka meaning hua each and every element is divided by 18, next matrix aa gaya, jo cancellation ho raha hai wo aap cancellation kar lenge, then we have A inverse, so it is part number 2. पार्ट नंबर थ्री, ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी भी होता है कि इफ डायगोनली इफ वी हैव ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो बिलो द डायगोनल और अबव द डायगोनल, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, तो 1 2 5 यानी कि 10, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यानी कि मैं डायरेक्टली अगर वैल्यू लिखो तो 1 into 2 into 5 यानी कि 10 आएगा, अदरवाइज एज यूजल हम एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू आर वन करते हैं, तो देन वी हैव 1 एंड माइनर, आपने रो कॉलम इग्नोर किया, तो इट इज इक्वल टू
2, 4, 0, 5. Next, we have minus 2. Row, column ignore. 0, 4, 0, 5. After that, plus 3. Next, we have 0, 2, 0, 0. So definitely, here we have 1 into 2, 5 are 10, minus 0. Minus 2, 0 into 5, 0, minus 0. Plus 3, 0, minus 0. So it is 1 into 10, 10, minus 0, plus 0. So therefore, determinant of A is equal to 10, not equal to 0. Therefore, A inverse exists. तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि एग्जिस्टेंस है कि नहीं है आपने चेक कर लिया. नेक्स्ट, नाउ वी फाइंड कोफैक्टर्स. नाउ वी फाइंड कोफैक्टर्स. अब आपने कोफैक्टर्स लिखना है. तो कोफैक्टर्स के लिए पहला ए वन वन, तो माइनस वन रेज टू वन प्लस वन. अब माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप स्किप कर दें, में से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2, 4, 0, 5. तो माइनस 1 रेज टू 2, 1, 2, 5 जा 10, माइनस 0. तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10. तो फर्स्ट को फैक्टर इज 10. ए 1, 2, माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 2 इंटू, अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम स्किप कर रहे हैं, देन वी हैव 0, 0, 4, 5, minus 1 raised to 3, minus 1, but 0 into 5 is 0, minus 0 is again 0. Next, we have A, 1, 3, it is equal to minus 1 raised to 1 plus 3 into, ignore, first row, third column, 0, 0, 2, 0. Next, minus 1 raised to 4, 1 into, 0 into 0, 0, 0 into 2, 0. So it is again 0. Next, first row complete. After that, second row. So first element, A21. So cofactor is A21. Minus 1 raised to 2 plus 1. Next we have second row. First column skip kar denge. Dhyan de, second row and first column. So we have 2, 3, 0, 5. Next, minus 1 raised to 3, minus 1 into 2, 5, 10, minus 0 is equal to minus 10. A, 2, 2 is equal to minus 1 raised to 2 plus 2. Now we ignore second row, second column. So if we ignore second row, second column, to 1, 3, 0, 5. Again. Next we have minus 1 raised to 4, 1, 1 5 is a 5, 3 into 0, 0, so it is equal to 5. Next, A, 2, 3, minus 1 raised to 2 plus 3 into, now we ignore second row, third column, second row, third column, agar aap ignore kar denge, 1, 2, or next we have 0, 0. तो हमने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम स्किप किया है. तो 1, 2, 0, 0, माइनस 1 रेज टू 5, माइनस 1, 1 इंटू 0, 0, और 0 इंटू 2, 0, तो इट इज अगेन 0. तो सेकेंड रो के सारे को फैक्टर्स आ गए. अब फॉर थर्ड रो, A, 3, 1, माइनस 1 रेज टू 3 प्लस 1 इंटू, अब आपने क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है. देन वी हैव 2, 3, 2, 4, माइनस 1 रेज टू 4, 1, 2, 4 जा 8, माइनस 6, इट इज इक्वल टू 2. A, 3, 2 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 3 प्लस 2. नेक्स्ट वे इग्नोर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, देन वी हैव 1, 3, एंड 0, 4. तो हमने थर्ड रो सेकेंड कॉलम स्किप किया, 1, 3, 0, 4. तो इट इज माइनस 1 रेज टू 5, माइनस 1, 1 इंटू 4, 4, 0 इंटू 3, 0. तो
इट इज माइनस फोर. नेक्स्ट लास्ट कोफैक्टर ए 3 3 माइनस वन रेज टू 3 + 3 इन टू. अभी हम क्या कर रहे हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप कर रहे हैं. 1 2 0 2 माइनस वन रेज टू 6 वन टू वन जा टू टू इन टू 0 0 टू टू वन जा टू. नाउ वी हैव ईच एंड एवरी कोफैक्टर्स फॉर ईच एंड एवरी रो. देयरफोर कोफैक्टर मैट्रिक्स रिटर्न एज. अब आप मैट्रिक्स कैसा लिख रहे हैं, तो ए स्टार इज इक्वल टू ऑलवेज यूज सिंबॉलिक फॉर ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33. तो देयरफोर ए स्टार यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स रिप्लेस द वैल्यूज. तो वी हैव 10 0 0 after that we have minus 10 5 0 2 minus 4 and 2. तो ये आपके पास यहां पर आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो देयरफोर एडजॉइंट ए व्हिच इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो ए के ऊपर स्टार जो ड्रॉ किया है इट इंडिकेट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो देयरफोर एडजॉइंट ए. तो आपने क्या करना है, आप जो भी हमने अभी लिखा था कोफैक्टर मैट्रिक्स रो कॉलम्स इंटरचेंज कर दें. फर्स्ट रो राइट इन फर्स्ट कॉलम विच इज 10 0 0. सेकंड रो राइट इन सेकंड कॉलम विच इज माइनस 10 5 0. थर्ड रो राइट इन थर्ड कॉलम 2 माइनस 4 एंड 2. तो नाउ वी हैव एडजॉइंट ए. So therefore, A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. So therefore, A inverse, determinant ka value hamare paas tha 10. So 1 upon 10, now we write adjoint A, 10 minus 10, 2, 0, 5 minus 4, 0, 0, 2. Each and every element is divided by 10. So we write directly A inverse after dividing each and every element by 10. 10 upon 10, 1 minus 10 upon 10, minus 1, 2 upon 10, 1 upon 5, 0 upon 10, 0, 5 upon 10, 1 upon 2, minus 4 upon 10, minus 2 by 5, 0 upon 10, 0, 0 upon 10, 0, 2 upon 10 is equal to 1 upon 5. तो ये था हमारे पास इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेप्स इसमें इंक्लूड है, तो आप लोग अपने आप कंप्लीट कर पाएंगे. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है एक 3 या 4 मार्क के लिए अपने पास.